ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे मापना भरोसा कर सकी थे हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट ग्रीन पेवर्स ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वॉल लाल ईटन से सस्ता चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली मध्य प्रदेश के रीवा जिला से बड़ी खबर बता दें कि रीवा जिला में सरेआम दहशतगर्दी और आतंक जारी है। एक बार फिर से एक युवक कुछ बदमाशन के निशाना बना जिसके ऊपर चाकूबाजी करके गंभीर रूप से युवक का घायल कर देगा। युवक के मौत हो चुकी है और घटना के बाद अब पुलिस जांच में जुटी है। गोविंद क्षेत्र के पहले बखेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे समझा इनका प्रणाम कहीं से शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दें कि रीवा जिला के गढ़ थाना अंतर्गत लालगाल चौकी के पास कॉलेजी छात्र के चाकू से गोद के जान ले ली। इनके पुलिस के मुताबिक रविवार के दोपहर 2:30 बजे दो सिक्योरिटी किला घूम के घरे लौटत रहे। यही दौरान पहले से घात लगाए करीब आधा दर्जन से आरोपी के द्वारा हमला कर देगा। मोटरसाइकिल बता दी कि सामने खड़ी कई के युवक का घेर देगा। बतावा जाता है कि पूरा मामला पुरान रंजिश के कारण सुहयाबा है। आरोपी के द्वारा छात्र का पकड़ के बेरहमी से पेट में चाकू मार देगा जिसके बाद मरणासन स्थिति में युवक का लाल गाँव चौकी पुलिस के द्वारा गंभीर रूप से घायल हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करावागा जहां चिकित्सकन के द्वारा युवक का मृत घोषित कर दिया है। चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह के कहा है कि मृतक रोहित उम्र 18 साल पुत्र उमेश साहू निवासी भटवा लालगांव के रहने वाले हैं। उन्हें इस मार्च का अपने एक दोस्त के संगे क्योंटी किला दोपहर में घूमे खातिर पहुंचे रहे और यही बीच 7 से 8 की संख्या में बदमाशन के द्वारा युवक के ऊपर हमला कर दिया जो पेट में गहरा घाव होने के कारण अस्पताल ले जाए के दौरान युवक की जान चली गई। अभी पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। दोस्तन के द्वारा बताए जाने वाले नाम के आधार पर आरोपी की खोजबीन हो रही है। फिलहाल बदमाशन के घर में दबिश दीन गई है। एक के साथ परिजनन और रिश्तेदारन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रहा है। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। चर्चा यह है कि मृतक मोहित साहू TRS कॉलेज का छात्र है जहाँ ज्यादातर युवक रीवा में रह के पढ़ाई लिखाई करके अपन समय व्यतीत कर रहा। कुछ दिन पहले बता दें कि युवक गांव पहुंच रहा और इस सिनेमा एक दोस्त के साथ क्योंटी जलप्रपात घूमे और किला घूमे खातिर युवक निकला रहा। तब जान पहचान के आरोपी के द्वारा युवक के जान ले लिए गए। चर्चा यह है कि मृतक के द्वारा कोनो व्यक्ति का मैसेज कीन गया रहा और यही बात से आरोपी नाराज रहे और शायद यह मैसेज जो रहा मौत के कारण बना है। हालांकि पूरी कहानी जो है पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो सके। तो सजग रही और सतर्क ही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे इजाजत प्रणाम। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।